आज आगरा के जिला सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में चेयरमैन राजा अरिदमन सिंह जी ने बताया कि अब सहकारी बैंक की शाखाओं में प्राइवेट व सरकारी बैंकों की भांति इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधा लागू हो गई है। बैंक से संबंध समस्त वेतनभोगी सहकारी समितियों को CBS प्रणाली पर लाए जाने और बैंक में UPI सुविधा लागू किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। सहकारी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक ने सराहनीय लाभ अर्जित किया है। जनपद में जितने भी सहकारी समितियों के गोदाम हैं, बड़े पैमाने पर जहाँ गोदाम टूट फूट या अच्छी हालत में नहीं है, सब गोदाम नए बनाए जा रहे हैं और जो मरम्मत योग हैं उनको भी मरम्मत किया जा रहा है। तो जितने भी ये गोदाम, जब तक स्टोरेज नहीं होगा तो ना खाद रह सकेगी और ना ही गेहूँ, और जो ये जो सरकारी खरीद करती है तो फर्स्ट स्टेज FCI के लेने से पहले वो गोदाम में स्टोर हो जाते हैं। तो और साथ साथ सभी सोसाइटीज इंटरनेट से जुड़ रही हैं, ये सबसे बड़े पहल ये हो रही है कि सभी सोसाइटीज इंटरनेट से जुड़ रही हैं, गोदाम बन रहे हैं और जो हाईटेक जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स में और प्राइवेट बैंक में जो सुविधा आती है, हमारी जिला सहकारी बैंक वो व्यवस्था दे रही है और देना लग जाएगी। अगले जनवरी तक सब व्यवस्था लागू हो जाएगी और जो लाभ में हम लोग आए, इस वर्ष हम लोग लाभ में भी आए हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है जिला सहकारी बैंक का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, वो भी बड़े पैमाने में तो बढ़ा हुआ है और जो खाद के वितरण की जो समस्याएं थी उसको भी जिला सहकारी बैंक हमारे माध्यम से मॉनिटर किया जाता है। और इसके अलावा हम लोग जो नए नए इसमें व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट बैंकिंग जो कमर्शियल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग से, मोबाइल से ही बैंकिंग आपकी कर ली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिला सहकारी बैंक के लिए और जो सुविधा अन्य कमर्शियल बैंक देंगी उतनी ही सुविधा हम लोग देंगे। और ये सिलेक्शन भी इसका जैसे SBI का होता है उसका ही अब प्रोफेशनली उसी का भी तरह से सिलेक्शन, ब्रांच मैनेजर क्लरिकल स्टाफ उसी तरह से सिलेक्शन होगा जिसका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो ट्रेनिंग होती है SBI के उसी आधार पर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।